देखो तू मेरे लाडो कितनी सोनी लग रही, और तू तो है ही रब दी पुत्र, बिल्कुल माता रानी की तरह। पर नकली शहर पे क्यों चाची? वो इसलिए मेरे लाडो कि हमारे यहाँ कन्या रूप में ही माँ अम्बे की पूजा की जाती। हर साल हम इस रस्म को हर नवरात्रि में निभाते, और इसीलिए आज मेरे इस चुटकी को माता रानी के रूप में सजाया है, सुंदर सा बनाया है। आपको पता है दादाजी ने आपका नामकरण किया था देविका के नाम से, पता है क्यों? क्योंकि आप इस अम्बे माँ का रूप हो देविका। और आपको पता है अभी मैं बाहर जाके आई हूँ, इतने सारे लोग बड़ी बड़ी थाली में बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आए। मिठाइयाँ? दूध, खोया, मिठाई, लड्डू, इतनी सारी चीजें, तो सारे लोग सारा भोग आपको चढ़ाने वाले। सच्चे चाची, दूध, खोया, मिठाइयाँ सब मुझे मिलेंगी? हाँ मेरे लाडो। पर चाची ये सब तो दादी घर के लड़कों को ही देती है, पर आज मुझे? आज घर के लड़कों को नहीं, सिर्फ मेरी चुटकी को सब कुछ मिलेगा। धीरे बोलो चाची, दादी सुन लेंगी। नहीं लाडो, आज तेरी दादी यहाँ होती भी ना तो भी तुझे कुछ नहीं कहती, क्योंकि आज तो मेरे इस लाडो का दिन है। मिठाई असली होनी चाहिए, शेर नकली होगा तो भी चलेगा। अच्छा जी, हाँ मिठाई असली। चल तू जल्दी बैठ जा, जैसे शंख बजेगा ना आप इस पर्दे को खोल देना, ठीक है? तो इसको संभाल, मैं बाहर देख कर आऊं। शंख कब बजेगा? मुझे लड्डू देखकर बहुत भूख लग रही है। अबे मोटे, तुझे हर वक्त सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, हां? चुपचाप बैठ जा और अपना काम खत्म कर, समझा? अम्बे माता की पूजा ना अबे भैया और मेरी लंबी जिंदगी के लिए रखी गई है, और मेरी लंबी उम्र के लिए भी हो रही है पूजा। अरे छल्ले, ये पूजा आज मेरे लिए हो रही है, क्योंकि देवी आज मैं बनी हूँ। सिर्फ एक दिन के लिए लड़कियों के लिए कोई पूजा करता है क्या? शेर पे बैठ के अपने आप को भगवान समझ लिया? नकली शेर, नकली माता, सिर्फ एक दिन के लिए भैया देवी बनने वाली, काश से ये बातें दादी सुन लेती, अच्छा मजा चखाती, याद रख कि तू लड़की है, लड़की। ये क्या बोल रहा है गगन? तू उस लड़की से मिलने गई थी? शर्म नहीं आई तुझे? कहाँ से सीखा तू ये? तूने ना इसे छूट दे के हद कर दी, और इसने वो भी कितने मंदिर के पीछे, इन्हें अंधेरे में उस अभेद्य नाल माँ, इन दोनों को मेरे दोस्तों ने साथ में जाते हुए देखा, और जब ये वहां से दोनों वापस आ रहे थे तो ये दोनों अपने कपड़े, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मुंडा कितने है? वो अभय। ये सब शायद मेरे अभय भैया के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उन्हें बताना चाहिए। अभय, अभय तू झूठी बात कर अंदर आ गया, दादी ने देख लो जान से मार देगा। अरे छोड़ यार सब कुछ, अभय नम्रता के घर वालों को पता चल गया तुम दोनों के चक्कर के बारे में, और उसके बाप और भाइयों ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया, अब वो लोग तुझे उठाने आ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? और अगर ये सब कुछ बाबूजी को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर लेगा तेरा बाप। मैं बाहर नजर रखता हूँ, चल। या उसका बाप, वो यहाँ साक्षात माँ बैठी है, सावित्री देवी दियोल। अरे पूरा गांव भी आ जाए ना तो एक एक को उखाड़ के फेंक दूंगी, अपने बेटों की ढाल बन के खड़ी हूँ मैं। और वो नम्रता, अरे वो तो है ही बेशरम बेहया कुल कलंकनी, वो हुच्छियो काक के हुच्छे लोग, और तू बड़े घर में पला बड़ा बच्चा, वो तेरे पास टाइम कहाँ है ऐसे ऐसे गंद को पालने का? जा यहाँ से, आगे की जिंदगी बना, पढ़ाई करने के लिए अपने मामे के घर चला जा। पर दादी मैं ऐसे कैसे भाग जाऊँ? वे ऐसे कैसे, कब, क्यों, मिट्टी पा ऐसे सवालों पे मेरा चन पुत्र, वो यकीन रख अपनी दादी पे। चल वो अजय, वो बैग लेके आ बाहर। जय पुत्र आँख बचा के, और किसी गल की चिंता मत करना, जैसे यहाँ माहौल ठंडा हो जाएगा ना बुला लूंगी मैं तेरे को, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, चिराग होते हैं करके, बस तूने कुछ चिंता नहीं करनी है, मैंने बात कर ली है तेरे मामे से, कैसे टाइम पे पहुंच जाया करेंगे तुझे। बच्चा दादी बैठी है तेरी यहाँ पे, तू इस वाले रास्ते से जा, हम देखते हैं। अबे जा,
इतनी सोनी लग रही है तू, एकदम देवी। जा बाप जा। बाबूजी आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चल चल। और आप कुछ बोला नहीं? मैं नहीं बोलता। कहाँ वो अभय का बच्चा? जुबान संभाल के नाम लेना मेरे पोते का। अब भाई अंदर ही होगा, अब हट जाए हमारे सामने से, वरना। वरना क्या? क्या आपको पता आपके बेटे ने क्या किया हमारी बहन के साथ इतने अंधेरे में? अभय ने? हाँ, बातचीत बंद करो, अंदर जाकर लेके आओ उसे। तुम लोग सावित्री देवी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ खड़े हो ना वहीं रुके रहना, वरना टांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। वो ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या किया पता है उससे आपको? मेरी बहन के साथ। ओए! आवाज नीचे, दहलीज पार करी तुम्हारे घर की कुड़ी ने और तुम धार रहे हो मेरे घर की दहलीज पे आके। पता नहीं किया कि रात के अंधेरे में किसके साथ थी तुम्हारी बहन? मुंडियाला की है भाई, उनका तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभय का भी चल रहा होगा तेरी बहन के साथ कुछ ना कुछ। वो लड़का है, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता। इज्जत जाती है लड़की की। जा जाके पूरे शहर को ये किस्सा सुना और फिर पूछ कौन थामेगा तेरी बहन का हाथ। कोई भी नहीं। और मेरे अभय को तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। वैसे बता दूं, अभय 2 दिन पहले ही अपने मामे के घर जा चुका है, तो फिर तेरी बहन के साथ वो कैसे कब? अब भाई तुम देखो क्या करना है तुम लोगों ने अपनी बहन के साथ। और खबरदार इस गली में दोबारा पैर रखा तो, ये शरीफों की गली है। रेखा तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है? तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? तूने हमारे घर की नाक कटा दी। चल हमारी हमारे घर की नाक कटा दी। चल मार के नहीं जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। चाची देखो ना कितना मार रहे उस दीदी को। क्यों चाची? क्योंकि चुटकी उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। दोनों की गलती है? अगर एक भाग गया तो दूसरे को सजा क्यों मिली? क्योंकि चुटकी वो एक लड़की है और उसने इतनी बड़ी गलती की है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। लड़कों का क्या है, कुछ भी करके निकल आते, पर उंगलियां हमेशा लड़कियों पे उठती, कलंक हमेशा लड़कियों पे ही लगता। आप भी तो एक देवी हो ना, आपके होते ये कलम सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों लगता है? क्यों नहीं बचाया आपने नम्रता दीदी को? क्या लड़कियों की रक्षा करने वाला कोई भगवान नहीं? आज तो मुझे यकीन हो गया कि आप होके भी नहीं हो, ना कोई असली देवी है ना कोई असली शक्ति। आपके पास तो 10 हाथ है फिर भी आप किसी को नहीं बचा सकती, ना उसे ना मुझे। मैं भी नकली देवी, मेरी तरह आप भी नकली देवी। जो सिर्फ लड़कों का है। देविका, आपने मुझे बचा लिया। अरे पूरी की पूरी छत दबा तो नहीं अंदर। अरे उठा उठा, अरे उठा उठा। मेरी बच्ची, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी ना बच्चा? पक्का ना? कुछ नहीं हुआ ना तुझे? हे अम्बे माँ, तेरे लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरे बच्चे की जान बचाई। मंडप वाले को बुलाइए। जी। चुटकी तू यही रुकना। को क्यों नहीं बचाया आपने? आपको पता है अम्बे माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। नवरात्रों में आप आए और नवरात्रों में मैं भी आई थी। आज के दिन किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो
वक्त मैं सिर्फ 9 साल की थी जब नवरात्रि की उस रात माँ दुर्गा की साक्षात शक्ति देखी थी मैंने। देवी के रूप में मुझे मेरी दोस्त मिली थी, मेरी फिलोसोफर, मेरी गाइड, मेरी देवी माँ। क्या यूं कहूँ कि मेरी माँ? एक औरत के पास जितनी शक्ति होनी चाहिए वो सारी थी उनके पास, पर मुझे मिला था उनका साथ। 10 साल बीत गए पर आज भी सबको यही लगता है कि महिषासुर का विनाश करने के लिए देवी हर युग में अवतार लेती हैं। पर मुझे लगता है हर घर में एक देवी है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते कभी। आज 10 साल बाद भी उनकी दो बातों की समझ के साथ ही जी रही हूँ मैं, जो मैंने उस रात समझी। पहली बात, माता रानी के रूप में मुझे मेरी दोस्त मिली थी, मेरी साथी। और दूसरी बात, लड़के कुछ भी कर ले, उन पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, उनका नाम कभी खराब नहीं होता।